YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। हम मलाबार आए हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले भी मैंने मलाबार गोल्ड शॉप के कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमने इनाया की ईयर पियर्सिंग करवाई है, क्योंकि उसकी बर्थडे आ रही है। 23 जून को इनाया की बर्थडे है, इसलिए हम सोच रहे थे कि उसकी बर्थडे पर इस बार गोल्ड ईयरिंग उसे गिफ्ट करेंगे। तो देखते हैं हमें क्या पसंद आता है और क्या प्राइस है, मेकिंग चार्जेस क्या है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने मलाबार से ही गोल्ड लिया था जो इनाया को गिफ्ट किया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर मौजूद है इनाया का बर्थडे करके, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। और ये देखिए सारा सब कुछ डायमंड में है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्रेसलेट है, नेकलेस है, ईयरिंग है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि मलक का भी गोल्ड जो है अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि हमने कभी वहाँ से बाय नहीं किया, हमने जितनी बार भी ख़रीदा है हमने मलाबार से ही लिया है और हमारा एक ट्रस्ट बन गया है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जो लोग सऊदी में रहते हैं कि आप लोग कहाँ से बाय करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे इनके पास कलेक्शन थे बैंगल्स के, कड़े के। और इसका देखिए मेकिंग चार्जेस आपको नज़र आ रहा है 13% है। ये वाली बैंगल मुझे बहुत पसंद आई थी। हम 7 जून को गए थे बाय करने के लिए। उस दिन उसका प्राइस था गोल्ड का 22 कैरेट का 226 रियाल पर ग्राम। यहाँ पर आप वेट, मेकिंग चार्जेस सब कुछ देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और जितने भी बैंगल्स हैं इनके मिनिमम प्राइस जो स्टार्ट था मेकिंग चार्जेस वो था 12%, किसी के 12% थे, किसी के 13%, किसी के 14%। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जो गोल्ड शॉप की डाली उसमें भी क्लियर किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ मेकिंग चार्जेस बताएं। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि जो वैट होता है वो फिक्स होता है 15%, बाकी जो प्राइस मैंने बताया अभी गोल्ड का 226 रियाल वो डिपेंड करता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, कितने ग्राम का ले रहे हैं, वो उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेकिंग चार्जेस जो होता है वो डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ। इसका मतलब यही है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं और फिर बाद में आप लोगों को समझ नहीं आती कि वीडियो में क्या बताया गया, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। कुछ लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि अगर हम बिल नहीं लेते हैं तो क्या हमारा प्राइस कुछ कम होगा, तो जी बिल्कुल, अगर आप उन्हें बोलते हो कि हमें बिल नहीं चाहिए तो आपका जो भी टोटल अमाउंट बनेगा उसमें से वो कुछ हद तक कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं करते लेकिन हाँ कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि कुछ पैसा बचाने के लिए आप ऐसा ना करें कि बिल ना लें। बिल एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है, तो बिल ज़रूर लें। जब हम इतना महंगा गोल्ड ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा और अमाउंट देके बिल ज़रूर आप लें, ताकि अगर आप कैरी भी करते हैं जैसे अपने कंट्री में तो आपको कोई एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम ना हो। इसका 6900 है और ये 4000 वन पीस, 4500। कितने ग्राम है? मेकिंग परसेंट 10% है, ग्राम 15 ग्राम पकड़ो, 15.59। हाँ, और दूसरा वाला करेगा। अरे इसका प्राइस नहीं मालूम ना, ग्राम्स के ऊपर 15.13 है, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा। और वो पीस में आता है ये सर, अच्छा पीस वेट में, टोटल वेट में आता है। 200 ले लीजिए, अराउंड आप ना देंगे 200 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 24 ग्राम तो 6900। और इसका भाई 6988। जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे 2 बैंगल्स का हो रहा है 9000 रियाल और ये एक कड़े का हो रहा है 6900 रियाल। और अगर आपको चूड़ी या कड़े इस तरीके से बैंगल्स वगैरह नहीं पहनना तो ये देखिए ब्रेसलेट टाइप में है, ब्रेसलेट कम कड़ा आप कह सकते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न थे इनके पास जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसका मेकिंग चार्जेस है 24%। अगर आप 21 कैरेट में देख रहे हैं तो वो भी आपको मलाबार में मिल जाएगा, 22 कैरेट में देख रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट पेंडेंट है, बहुत प्यारे लग रहे थे, आप देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। ये ब्लैक एंड गोल्डन वाला जो है ब्रेसलेट मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये देखिए इस तरीके से पतले में भी, मतलब आपको जिस तरह का ब्रेसलेट चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वक्त काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन इनके पास आई हुई हैं। इनाया के लिए अब ईयरिंग्स देखते हैं, कुछ पसंद आता है तो लेते हैं। 200-300 के आसपास, 800 का है, 800 का सेट है, इसमें कम में कुछ है?
वही है इसका। अच्छा सब और रीसेल वैल्यू कितना है पोटा? 80% आएगा ये डायमंड का, 80% मिलेगा गोल्ड का 100%। तो अभी सपोज सेल करेंगे तो डायमंड का 80% मिलेगा। गोल्ड, इसमें गोल्ड है? ये बॉडी गोल्ड का ही रहता है ना। अच्छा ये जो है ना ये गोल्ड डायमंड जो व्हाइट दिख रहा है ना, इसके साथ आपको गारंटी कार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट। कौन सा डायमंड का? आपको इंटरनेशनल गारंटी कार्ड मिलेगा, गारंटी कार्ड। ओके, मतलब इंडिया में भी सेल करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, सेम 80% ही मिलेगा। मालाबार में जाएंगे तो 80% मिलेगा, दूसरे में जाएंगे तो दूसरा का अपना अपना होता है। ये देखो ये वाली छोटी वाली पूरी। अभी हम डायमंड में देख रहे हैं, कुछ इयरिंग्स पसंद आ जाती है तो ले लेते हैं। बहुत प्यारी प्यारी थी जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन जिस तरीके से हमें चाहिए थी वो हमें इसमें मिल नहीं रही थी। कुछ काफ़ी बड़ी भी थी, लेकिन हम छोटे में ही अभी देख रहे हैं क्योंकि अभी वो 2 ईयर्स की होगी। इसका कितना है? 950 है वो सिंगल पीस। ये सिंगल पीस का कितना इसमें ग्राम्स में है वो कैसा है? 0.7 ग्राम इसमें गोल्ड है, इसमें 11% डायमंड है, 11%। ये अच्छा लग रहा है मुझे। जो सेकंड रो में आपको दिख रही इयरिंग, ये मुझे पसंद आ रही थी, 1050। अभी आपने जो डायमंड इयरिंग देखी है वो 850 रियाल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 ग्राम से भी कम है। और यहाँ पर अब हम गोल्ड में देख रहे हैं उसके लिए इयरिंग, अगर कुछ पसंद आता है तो लेते हैं और फाइनल करते हैं। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसी में से एक इयरिंग हमने फाइनली पसंद कर ली है। हमने इनाया के लिए उसकी बर्थडे के लिए कौन सी इयरिंग पसंद की है ये आपको उसके बर्थडे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। प्लीज़ आप लोग प्राइस नहीं पूछा करें, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने गिफ्ट लिया था आप लोग प्राइस पूछ रहे थे, क्योंकि जब हम किसी को कोई तोहफा देते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसमें हमारा प्यार होता है उस इंसान के लिए, हमारी मोहब्बत होती है। तो प्लीज़ प्राइस पूछकर उसकी कीमत कम ना किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 की ये कह सकते हैं आपकी फर्स्ट गोल्ड शॉपिंग हमने की है इनाया के लिए। हम इनाया के लिए छोटी बाली लेना चाह रहे थे, लेकिन भैया ने हमें सजेस्ट किया कि नहीं, बच्चों के लिए छोटी बाली अच्छी नहीं है क्योंकि वो खींचते हैं तो उनके कान जो है मतलब कट सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने क्या लिया वो आपको बर्थडे ब्लॉग में दिखाएंगे। और अगर आपको ये जानना है कि हमने इनाया की ईयर पियर्सिंग कहाँ करवाई है, उसके लिए भी आपको चैनल पर विजिट करना होगा और आप सर्च करिएगा इनाया ईयर पियर्सिंग, और एंड स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगी इंशाल्लाह। और बस अभी ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।